भाई मान गया मैं, जायका तो खत्म है सुल्तान के बेटों में। आज तो मैंने भी अपनी डाइट की ऐसी की तैसी कर दी दद्दू। भाई एक चीज तो कंफर्म है, जिंदगी भर मैं आदम को कुकिंग में नहीं हरा सकती। आप सबने तो बिल्कुल नदीदों की तरह चट किया अपनी प्लेट्स, और तुमने इतने कमाल की। अच्छा अभिमान से बताएं किस किस को मेरे हाथ की कढ़ाई पसंद है। भाई कमाल मतलब टू गुड, जबरदस्त। इसकी रेसिपी आप मुझे भी बताएं, मैं घर जाके ट्राई करूंगी। हाँ देखिए ये डिश जो है ना ये घर पे नहीं बन सकती। अच्छा ओ आपका 70% डिस्काउंट के साथ बिल सिर्फ 2000 रुपीज। 2000 ओनली। हाँ चले मैं ये पैक करवा के। ये आपने तो और कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं भाई तुमने इतनी बेस्ट चीज हमारे सामने रख दी, कुछ और खाने को दिल ही नहीं चाह। वैसे बात तो ये मटन था या बीफ? दद्दू असल में ये एक बहुत स्पेशल कढ़ाई है, ये ना खास मेहमान के लिए मैं मंगाता हूँ गोश्त। हाँ मगर गोश्त था किस चीज का? अच्छा पहले ये बताएं आपको कोई फीलिंग हुई? अच्छी सी फीलिंग, अजीब सी फीलिंग? मतलब क्या इस बात का? मतलब ढेंचू करने का दिल चाह रहा है। हाँ ढेंचू का कढ़ाई से क्या ताल्लुक? हाँ दद्दू बहुत गहरा ताल्लुक है, जैसे मुर्गी का होता है ना वो कुकड़ू कुकड़ू से। देखो ये नहीं है, तुमने हमें खोता कढ़ाई तो नहीं खिलाई है ना? दद्दू अब जबरदस्ती का 70% डिस्काउंट कवर तो करना था, और टेंशन ना ले। आधा घंटा मैंने भुना है वो भी देसी घी में, और फिर मसाला लगा लगा के आपको सर्व किया। तुम्हारी ऐसी की तरसी, तुम सबको बताओ तुमने खोता कढ़ाई खिलाई हमें? हाँ बताओ ताकि लोगों को पता चले कि ये खोता कढ़ाई खाने वालों की शक्लें कैसी होती है। वैसे हैरत है किसी एक को पता नहीं चला। पर दद्दू जैसे आपकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट लग रही है। क्या उल्टी उल्टी आई है? उल्टी कहाँ जा रहे? अब पैक करवा के तो लेके जाए।